हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से इंडिया पोस्ट ऑफिस 46,889 पदों पर आने वाली पांचवी लिस्ट को लेकर जितने भी आपके डाउट हैं, सभी सवालों के आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। सारे के सारे आपके डाउट क्लियर करेंगे। एक नया अपडेट आया जीडीएस के महासचिव SS महादेवाज के द्वारा, उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो 46,889 पदों पर वैकेंसियां लाइव है, उसकी आखिरी यानी कि 5th मेरिट लिस्ट आनी बाकी है और जो फाइनल मेरिट है उसके लिए आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट को क्लियर करते हुए सारे के सारे इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। एक बार थोड़ा सा समय लेके मैं सभी क्वेश्चंस को आपको बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन है इंडिया पोस्ट ऑफिस 46,889 पद जो है, तो यहाँ पे 5th मेरिट लिस्ट की दो डेट है वो कल के समय में चेंज हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जो डेट पुरानी थी उसको चेंज करके एक नई डेट लॉन्च करी गई है SS महादेवाज के द्वारा, उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हाउ टू चेक फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी कि सबसे पहले आप लोग अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट को, पांचवी मेरिट लिस्ट को कैसे देख पाएंगे उसके बारे में बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि जब पांचवी मेरिट अपलोड होगी वहां पर सर्वर क्रैश हो जाएगा, साइट हैंग हो जाएगी, तो सबसे पहले आपको कैसे देखने को मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी स्टूडेंट नेम कम टू द फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी कि कितने बच्चों का नाम अभी मेरिट के अंदर आने की संभावना है, क्या काउंट हुआ है, मतलब कि चौथी मेरिट में कितने बच्चों ने अपना सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के जॉब पोस्टिंग ली है। इसके अलावा जीडीएस महासचिव लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे और सबसे इंपोर्टेंट की जीडीएस के महासचिव जी ने साइकिल 6 की वैकेंसी के बारे में भी एक बहुत ही अच्छा अपडेट, बहुत अच्छी जानकारी कह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, शेयर करी है, जो कि जुलाई महीने के लिए है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने जीडीएस के 46,889 पदों पर आवेदन किया, पहली दूसरी और तीसरी चौथी में हाई कट ऑफ की वजह से आपका नाम नहीं आया, अभी आप लोग पांचवे मेरिट के इंतजार में है, तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आखिरी तक देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियो के लिए जीडीएस की पल पल के अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले जो डेट चेंज हुई है, पहले तो आज की डेट को नोट करिए, मैं आपको बता दूं कि आज है 20 जून। जी हाँ दोस्तों, आज है 20 जून। 20 जून के दिन दोपहर के समय ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, इस टाइम को ध्यान रखिएगा। और कल की तारीख थी 19 जून की रात को SS महादेवाज के द्वारा एक वीडियो उनके ऑफिशियल चैनल पे पब्लिक करी गई, उसके अंदर उन्होंने जानकारी दी आपकी फाइनल और अंतिम मेरिट लिस्ट यानी कि पांचवी जो मेरिट लिस्ट है वो 3 से 4 दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जो डेट पहले 16 के बाद थी 20 तक की, उसको अब 20 से लेकर 24 के बीच कर दिया गया है। अभी मैं आपको बताता हूं कि इस डेट तक के लिए, तो यहां पे पहले देखिए जो नई डेट है उसके बारे में बात करते हैं, 20, 21, 22 और 23। तो जब उन्होंने 19 तारीख को वीडियो अपलोड किया और 3 से 4 दिन बताए, तो अगर हम 20 से काउंट करें तो यहाँ पे 20, 21, 22 और 23, यानी कि मैच टू मैच 23 तक, क्योंकि आपको पता होगा कि वहां पे 24 तारीख से 23 तारीख को आवेदन करने की 12,828 पदों पर जो स्पेशल ड्राइव है उसकी डेट क्लोज होगी और 24 से लेकर 26, 24, 25 और 26 को उसके जो फॉर्म एडिट और करेक्ट की विंडो है ओपन होगी। तो वहां पे ये लोग कुछ भी प्लान नहीं करेंगे, इनका प्लान सीधा सा है, मैं आपको बता देता हूं, 23 से पहले आपकी आखिरी मेरिट को ये जारी कर देंगे ताकि उधर आखिरी में जो एक मेरिट है 12,828 पदों पर उसको भी जारी कर सकें। तो जो ज्यादा चांस बन रहे हैं वो 22 और 23 के हैं, 22 और 23, इसमें भी एक डेट अगर आप पूछेंगे तो 23 तारीख मैं यहाँ पे कंफर्म करूंगा, 23 तारीख को आपका दोपहर के 2 बजे के बाद शाम के 4 बजे हो सकता है, 5 बजे हो सकता है, आपकी मेरिट आपके पास होगी। ठीक, डेट कंफर्म हो गई, डेट के लिए हम लोग जो है तो सारी चीजों को बैक करते हैं। डेट मैंने आपको बता दिया कि डेट आपकी क्या रहेगी, तो डेट आपकी कन्फर्म जो डेट है वो रहेगी यहाँ पे 23 जून के। ठीक, पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, इससे पहले भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर चांस यहाँ पे 23 को है। हाउ टू चेक फाइनल लिस्ट, इसके बारे में मैंने आपको कई बार जानकारी दी है, ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया पोस्ट jdsonline.government.in, यहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आपका कहना है कि साइट हैंग हो जाती है, सर्वर क्रैश हो जाता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे मैं एक ऑप्शनल वेबसाइट जो कि हमारी वेबसाइट है फास्ट जॉब टाइप करेंगे और इसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन करता हूँ, सॉरी यहाँ पे पूरा क्लीन हुआ, सॉरी सॉरी
इरेजर को ऑन करता हूं। फास्ट जॉब के साथ में आपको यहां पे डॉट को लगाना है और डॉट कॉम, ध्यान रखिएगा डॉट को डॉट कॉम, फास्ट जॉब डॉट को डॉट कॉम, कई बार आप लोग विजिट किए होंगे। यहां पे मैं आज शाम को अपडेट कर दूंगा आने वाली पांचवी लिस्ट का और 12,828 पदों पे पहली लिस्ट का। सबसे पहले डाउनलोड करके ऑफिशियल वेबसाइट से सारे के सारे पीडीएफ ऐड कर दिए जाएंगे और वीडियो बना के मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर पाएंगे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर डन हो गया। ठीक, अभी तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट नेम कम टू द फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी कि कितने बच्चों का नाम आना बाकी है। आपको पता होगा 11,000 बच्चों का नाम आया था चौथी लिस्ट में और उससे पहले 15,000 से ऊपर बच्चों का नाम आया था तीसरी लिस्ट में। 11 से बीच के 15 से बीच में जो देखें अगर, तो 4,000 बच्चों ने सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया तीसरी के बाद चौथी मेरिट लिस्ट के लिए। ठीक, चौथी मेरिट में 11,000 बच्चों का नाम आया, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 5,000 बच्चे। जी हाँ दोस्तों, अगर 5,000 बच्चे यहाँ पे सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं फिर भी आपके पास यहाँ पे 6,000 प्लस सीटें जो है तो खाली देखने को मिलेंगी, यानी कि 5 से लेकर 6,000 एक्सपेक्टेड जो सीटें हैं वो अभी भी खाली होंगी डाक विभाग के अंदर, जिसपे आपके फाइनल और आखिरी मेरिट आनी है। 6 से 8,000 का अंदाजा हम लगा सकते हैं, ये आपको पता चल जाएगा 1-2 दिन के अंदर जैसे कैलकुलेशन आएगी, क्योंकि कल के वीडियो में जीडीएस के महासचिव एसएस महादेवा जी ने जानकारी दी है कि अभी तक कोई भी कैलकुलेशन सामने नहीं आया जिसके माध्यम से हम बता सके कितनी सीटें अभी तक खाली हैं। लेकिन पुरानी जो कैलकुलेशन उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा 11 में से 5,000 सीटें भी चली गई फिर भी आपके पास मौका रहेगा 6,000 सीटों पे जो है तो आपकी पांचवी मेरिट आनी है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। चौथा क्वेश्चन, जेडीएस महासचिव का लेटेस्ट अपडेट, कल के समय पे एक वीडियो अपलोड की गई जेडीएस के महासचिव के द्वारा, हमारे चैनल पे भी है, उसके अंदर उन्होंने 3-4 चीजें बताई। पहला तो आपको बताया पांचवी मेरिट लिस्ट आपकी 3 से 4 दिनों में आएगी, दूसरा बताया कितने बच्चों का नाम आएगा इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं हुई, तीसरा बताया वो किसी ट्रिप में है यानी कि बाहर घूम रहे साउथ इंडिया में, चौथी जानकारी उन्होंने दी कि 12,828 पदों पर जो वैकेंसी है उसकी पहली लिस्ट इसी महीने के आखिरी में आएगी। तो 3-4 चीजें उन्होंने बताई और बोला है कि हमारे साथ कनेक्ट रहिए। ठीक है ना, तो ये उनकी लेटेस्ट अपडेट है, साथ में साइकिल 6 की वैकेंसी के बारे में भी उन्होंने बात करी उसी अपडेट के अंदर। आखिरी जो क्वेश्चन आपका है, साइकिल 6 वैकेंसी अपडेट, साइकिल 6 की वैकेंसी कितने पदों पर आने वाली है। तो आपको बता दें जेडीएस की साइकिल 6 की जो वैकेंसी है अभी कितने नंबर ऑफ वैकेंसी यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट पर आएगी उसके बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि 40,889 पदों पर जो वैकेंसी है उस पर कितनी पोस्टें खाली रह जाती है, क्योंकि 30 जून के बाद इसका कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, कोई नई मेरिट नहीं आएगी, तो जो वैकेंसी यहां से खाली रह जाएंगी उनको अपकमिंग वैकेंसी यानी साइकिल 6 के अंदर ऐड किया जाएगा। तो पहली बात तो ये कि 40,889 पदों पे जो वैकेंसी बचेंगी उनको ऐड किया जाएगा। दूसरी बात ये कि पता लगाया जाएगा कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी डिवीजन और सर्कल हैं कहां की पोस्टें कितनी खाली बची हुई है, नई पोस्टें कितनी खाली, कितने रिटायरमेंट हुए, क्या हुआ क्या नहीं, ये सारी देखने के बाद बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, बहुत सारे बच्चों का प्रमोशन हो जाता है, बहुत सारे बच्चे जो है तो यहाँ पे एक बार जॉब को लेते हैं पर रेगुलर जाते नहीं तो उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है, डॉक्यूमेंट नहीं होते, और इनमें से काफी सारे जो भी चयन ले रहे हैं वो 1-2 साल तक टिकेंगे नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये जॉब थोड़ी सी हार्ड वर्किंग हो जाती है, 4 घंटे 5 घंटे बोल के लंबा खिंच जाता है, कम वेतन रहता है और इसमें थोड़ा एंजॉयमेंट की कमी रहती है। डिपार्टमेंट छोटा है, लगभग यहाँ पे 2 से 3 कमरों का आपको डिपार्टमेंट मिलेगा, वो भी अपने को खुद को जो भी जीडीएस के बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर सेलेक्ट होगा उसको किराए से लेना होगा, तो थोड़ा एंजॉयमेंट की कमी होती है, इस वजह से बहुत सारे बच्चों का मन भी नहीं लगता और उनका 5 साल बाद प्रमोशन होता है इस वजह से वो ज्वाइन भी नहीं करते। तो साइकिल 6 की वैकेंसी का रेशियो ऐसे निकलेगा कि यहाँ पे बची हुई वैकेंसी को ऐड करके ऑल ओवर इंडिया पता लगा के उन सबको ऐड करके जुलाई के अंदर आपका साइकिल 6 की वैकेंसी का जो फाइनल नोटिस है वो जारी किया जाएगा। उससे पहले स्पेशल ड्राइव की मेरिट आएंगी, कई सारी मेरिट आएंगी, नवंबर तक का समय है, नवंबर तक यहाँ पे मेरिट आएंगी तो कम से कम 4-5 मेरिट उसकी भी आ जाएगी, उसके अंदर भी काफी सारे बच्चों का ऑलरेडी सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है अच्छी लगी होगी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।